आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो लंबे धारावाहिक पतले तार, दोनों में धारा आई है एल लंबाई के अचालक धागों द्वारा लटकाया गया है। ये चित्र में दर्शाए अनुसार साम्य अवस्था में है और दोनों धागे ऊर्ध्व से थीटा कोण बना रहे हैं। यदि तारों का प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान लैम्डा है तो एल का मान याद कीजिए, जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो ये जो तार लटके हैं, ये तार, इन दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहले तार का और दूसरे तार का दोनों का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। पहला तार दूसरे तार के चुंबकीय क्षेत्र में होगा और दूसरा तार पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र में होगा, इसलिए बल का अनुभव करेगा। तो दो समांतर धारावाही चालकों जिनमें धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं, इसमें इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षी बल होगा और दोनों पे इस बल का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी। इस बल का जो सूत्र होता है, बल प्रति एकांक लंबाई F बटे L, मतलब प्रति एकांक लंबाई के बल का जो मान होता है वो होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई I स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लेनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी इस त्रिकोण के हिसाब से, अगर ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये जो दूरी है वो एल साइन थीटा हो जाएगी, एल साइन थीटा, साइन थीटा, ये इतनी दूरी एल साइन थीटा हो जाएगी और इसका 2 गुना हमें लेना है। ठीक है, तो यहां पर आई का स्क्वायर भी आएगा और ये हो जाएगा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो ये प्रति एकाई लंबाई में बल है, तो इसको हम F बाई L से दिखा दें। अब इसका जो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा दिया है, तो भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो प्रति एकांक लंबाई का भार नीचे की तरफ कार्य करेगा और वो लैम्डा जी के बराबर हो जाएगा, लैम्डा जी के बराबर हो जाएगा। अब इस धागे की जो दिशा है वो इन दोनों के परिणामी बल के दिशा में होगी। सपोज मान लो इनका परिणामी बल इस दिशा में आता है, तो अगर ये एंगल, ये एकदम सीध में होंगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये साइड अगर F बाई L है तो ये साइड भी F बाई L होगी, क्योंकि ये एक आयत है, F बाई L हो जाएगी। तो अब यहां से हम tan थीटा का मान लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, यहां से हम tan थीटा का मान लिख सकते हैं लंब F बटे L, लंब F, F बाय F बटे L का मान हमें पता है, F बटे L का मान अभी हम, और tan थीटा लंब बटे आधार। तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा, F बटे L का मान हम निकाल चुके हैं, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो उसको भी, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई, म्यू नॉट बटे 2 पाई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर और 2L साइन थीटा, एल साइन थीटा। ये तो हमने F बटे L का मान लिख लिया, और यहां पर लैम्डा जी और है, लैम्डा जी और है। तो अब जरा हम
विकल्पों को देख के उत्तर निकालने का प्रयास करें। तो हमें I का मान निकालना है, मतलब धारा का मान निकालना है। तो ठीक है, इसको बस अब हमें हल ही करना है और क्या। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख ले, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और पाई एल साइन थीटा, पाई एल साइन थीटा, पाई एल साइन थीटा, और उसके बाद है पाई एल साइन थीटा और लैम्ब्डा। हम पहले लिख लें फिर देखते हैं ऊपर ऊपर। तो 4, पहले हम नीचे वाले को सुन रहे हैं, 4 पाई एल साइन थीटा लैम्ब्डा जी गुणे टैन थीटा गुणे टैन थीटा बटे म्यू नॉट, इधर सिर्फ आई बचेगा और इसका अंडर रूट निकालना। तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर लिख लेंगे तो कुछ कुछ ये विकल्प आखिरी वाला विकल्प जैसा दिख रहा है, 2 sin थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का वर्ग 2 और साइन, और अंदर क्या बचा रहेगा, अंदर बचा रहेगा पाई एल लैम्डा जी अंडर रूट पाई एल पाई पाई लैम्डा जी एल, एकदम ऐसे ही लग रहा है पाई लैम्डा। विकल्पों से हमें बहुत सहायता मिलती, और नीचे अंडर रूट में म्यू नॉट कॉस थीटा। तो ये फिर आई धारा का मान हो गया, यानी अंतिम विकल्प सत्य है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।